आज के हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत। आज हम टेंस की जो हमारी कड़ी चल रही है उसी में दूसरा टेंस आज हम शुरू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा दूसरा टेंस होगा। इसके बारे में हम आज सीखेंगे। इस दूसरे टेंस की शुरुआत में आज की वीडियो में हम सारा टॉपिक नहीं रखकर कुछ ही चीजों को हम इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि वरना वीडियो लंबा हो जाता है। तो इसलिए आज हम केवल इतना जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्रिया के रूप क्या लगाए जाते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हिंदी में अगर कोई सेंटेंस है तो उसकी पहचान क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे। इंग्लिश में कोई सेंटेंस है तो उसकी पहचान क्या है, उसको कैसे पहचानेंगे, और किसी हिंदी के लिखे हुए सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको दबाएं, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट यानी वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब जारी रहने वाला, या जिसको हम प्रगतिशील भी कह सकते हैं। टेंस मतलब काल। तो ये जो वाक्य हम या जो ये टेंस हम पढ़ेंगे, ये जो टेंस है इस टेंस का क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी वर्तमान प्रगतिशील काल इसको कहते हैं हिंदी में। और वैसे अगर हम बात करें तो ये वो सेंटेंस होते हैं, इस टेंस के अंदर वो सेंटेंस आते हैं जिनमें ये बताया जाता है कि कोई कार्य जो है वो अभी चल रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। तो इस टेंस के अंदर क्रिया के रूप जो होते हैं वो क्या होते हैं? इस टेंस के अंदर क्रिया के रूप आप देखेंगे तो इस टेंस में क्रिया के रूप होते हैं इज, एम, आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। इस टेंस के अंदर क्रिया के रूप क्या होंगे, फिर से सुन लीजिए, इज, एम, आर और मेन वर्ब जो भी होती है उसमें आईएनजी लगाते हैं। यह इस वाक्य में, इस टेंस में क्रिया के रूप लगाए जाते हैं। इस टेंस के अंदर जो क्रिया के रूप लगाए जा रहे हैं, जैसे इज है, एम है या आर है, तो इज कब लगाएंगे, आर कब लगाएंगे, एम कब लगाएंगे, इन सारी चीजों को समझेंगे हम। तो उससे पहले हम बातें करते हैं कि इस टेंस की हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। यानी कोई सेंटेंस जैसे हिंदी में लिखा हुआ है, वह है आज एक कहानी लिख रहा है, रहा है, तो आपने देखा रहा है, ऐसे शब्द दिए हुए आते हैं। तो हम कोई बात जो हम कर रहे होते हैं, जैसे कि इस समय मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको इस समय टेंसेस पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो ये एक कार्य जो है वो अभी चल रहा है। तो कंटिन्यूअस यानी जो कार्य कंटिन्यू है, जो कार्य उस समय चल रहा है, वो इस टेंस के अंदर यूज होता है और उसी वाक्य को इस टेंस में बताया जाता है। तो पहचान हो जाती है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर ऐसे भी पहचान हो सकती है, किसी किसी सेंटेंस में इस तरह से भी दिया होता है, जैसे कि वह वहां बैठा हुआ है, मैं सोया हुआ हूँ, वे लेटे हुए हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो भी कंटिन्यू होते हैं। इसलिए किसी किसी सेंटेंस में पहचान इस तरह से भी हो सकती है, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि। तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर यूं दिया हो कि वह कोई काम कर रहा है, या वहां कुछ हुआ हुआ है, या कोई काम अभी हुआ है या हो रहा है, हुआ है नहीं, सॉरी, हुआ है तो वो तो परफेक्ट हो जाएगा। तो अगर कोई काम हो रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, वो हालांकि लेटा हुआ है बट वो लेटने का कार्य चल रहा है, कंटिन्यू है, इसलिए उस सेंटेंस के अंदर हुआ है या हुई है ऐसे लगाया जाता है। तो आप ध्यान दें कि रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर पहचान होती है हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि। इसके अलावा इस टेंस के अंदर इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस है उसको कैसे पहचाने, ये तो बात होगी हिंदी वाक्यों की, हिंदी वाक्यों में ऐसे रहा है, रही है, हुआ है, हुई आदि दिए होते हैं। अब बात कर रहे हैं एडवर्बियल्स की। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ कोई सेंटेंस है, जैसे कि सेंटेंस देख रहे हैं आप, ही इज राइटिंग अ स्टोरी, और फिर मैंने आगे लगाया है नाउ। तो आप देख रहे होंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पहचान के लिए, इंग्लिश में कोई सेंटेंस है तो उसकी पहचान के लिए कुछ एडवर्बियल्स भी दिए हुए हो सकते हैं,
जरूरी नहीं है बट दिए हुए हो, लेकिन दिए हुए हो सकते हैं और दिए हुए होते हैं तो इजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं नाउ जो कि वर्तमान को शो करता है, स्टिल अब भी, टुडे आज, दीज डेज यानी इन दिनों, नाउ अ डेज यानी आजकल, एट दिस टाइम यानी इस समय, एट दिस मोमेंट यानी इस पल या इस क्षण, एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में, और टुनाइट यानी आज रात। तो यानी ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो ये दर्शाते हैं कि कोई कार्य या तो अभी हो रहा है या चल रहा है या इन दिनों कुछ हो रहा है, वर्तमान में वो कार्य जारी है, कंटिन्यू है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे बता देते हैं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें कुछ एडवर्बियल्स हैं, इनको आपको याद कर लेना है। इन एडवर्बियल्स को थोड़ा जूम करके दिखा दो, तो आपने देखा कि कुछ एडवर्बियल्स जो होते हैं वो दिए हुए होते हैं जो पहचानने के लिए जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन कैसे करें। जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है, वह आज एक कहानी लिख रहा है, कोई भी सेंटेंस है जब उसकी हम इंग्लिश बनाते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला वही होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर जितनी चीजें होती हैं वो आ जाती हैं। तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, तो सबसे पहले आप देखिए कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वह है। बात किसकी हो रही है, उसकी हो रही है कि वह क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो ही इसका सब्जेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज लगाई गई है, तो ये हमें समझना है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखा, उस समय मैंने आपको बताया कि तीन पर्सन होते हैं प्रेजेंट, सॉरी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन ऐसे पर्सन होते हैं। तो उन तीनों पर्सन में तीनों जो पर्सन होते हैं, तीनों जो व्यक्ति होते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीनों के ही सिंगुलर और प्लूरल भी होते हैं। तो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो ही, शी, इट या फिर कोई सिंगुलर नाउन होता है, इनके साथ में क्या लगा देते हैं, इज लगा देते हैं। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, इन सब के साथ में क्या लगाया जाता है, इन सब के साथ में इज का प्रयोग होता है। ऐसे ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ जाता है, अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आए, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, तो उसके साथ क्या लगाया जाता है, एम लगाया जाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है आई, आई के साथ एम यूज होता है, और अदर जितने भी बच गए हैं, बाकी जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, उन सब सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाया जाएगा, आर लगाया जाएगा। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए इज आ गया, ही इज। फिर लिख रहा है, ये इसकी मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब आएगी, तीसरी चीज मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब है लिखना, राइट। और ये जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें क्रिया का रूप वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, तो राइट में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, ये हो गया ही इज राइटिंग। फिर ऑब्जेक्ट की बात आती है, तो वो क्या लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, और स्टोरी, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर एडवर्ब आ गई, कब लिख रहा है, आज, सॉरी अब, आज लिख रहा है, सॉरी यहां पे नाउ नहीं होगा, यहां पे टुडे होगा, ही इज राइटिंग अ स्टोरी टुडे, वो आज एक कहानी लिख रहा है। ऐसे ही मैं इस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा, तो आप देखेंगे इसका सब्जेक्ट हो गया मैं, आई, आई के साथ में, मैंने आपको अभी भी बता दिया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, जब आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ एम लगेगा, तो आई एम हो गया। फिर मेन वर्ब वही आनी है, मेन वर्ब में आईएनजी लगना है तो लगा दिया, मेन वर्ब इसमें पढ़ा रहा है, पढ़ाने को कहते हैं टीच, टीच के लिए आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा, तो आई एम टीचिंग। फिर ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, तो ऑब्जेक्ट अंग्रेजी है तो इसमें इंग्लिश हो गया। फिर इस समय को कहते हैं एट दिस टाइम, जो कि एक एडवर्ब है जो हमने यहाँ पे लिखी है, एट दिस टाइम, ये रही। ऐसे ही अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं, वे आजकल बहुत चिल्ला रहे हैं, जब इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा वे को इंग्लिश में, दे, वे हो गया दे,
फिर वही हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो प्लूरल है मतलब अदर सब्जेक्ट में आ गया, अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो अदर सब्जेक्ट के साथ में आर लगाते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट दे आ गया, फिर आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर मेन वर्ब में आई एन जी लगा दिया है, तो मेन वर्ब में आई एन जी लगा दिया है। मेन वर्ब इसमें क्या है, चिल्ला रहे हैं, तो चिल्लाना, चिल्लाने को कहते हैं क्राई, क्राइम आई एन जी लगा है, तो क्राइम हो गया, तो दे आर क्राइम, वे चिल्ला रहे हैं, दे आर क्राइम, समझ गए होंगे आप, दे आर क्राइम, वे चिल्ला रहे हैं, तो आप क्राइम हो गया। उसके बाद में अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें एक सीधा ही क्या है, एडवर्ब ही है, लेकिन दो तरह की एडवर्ब दी हुई है, एक उसकी क्वांटिटी बता रहा है सो मच, और एक टाइम एडवर्ब है जो कि टेंस की पहचान कराती है, नाउअडेज, नाउअडेज यानी आजकल। तो इस तरह से टेंस जो है किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इस तरह से किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस प्रकार से सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का हमारा ये जो वीडियो है इसे लाइक सब्सक्राइब और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जो है उसको प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।